आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत में संविधान के हिसाब से मौलिक अधिकार सबको प्राप्त हैं, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त है। वो अधिकार हमको ये बताते हैं कि अपनी बात को हम आराम से कह सकते हैं, उसकी हमको यहाँ पर आज़ादी है। पर किसी आज़ादी का दुरुपयोग भी गलत है। गलत इसलिए है कि अगर उस आज़ादी से किसी धर्म विशेष को या किसी धर्म को या किसी संप्रदाय को गलत लगेगा, उसका अपमान होगा, तो वो अभिव्यक्ति और वो अधिकार और वो रचना क्रिएशंस सब व्यर्थ हैं। हमारे देश में तमाम तरह के फिल्में बनती हैं। फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती हैं, और फिल्मों के माध्यम से चर्चाएं भी होती है, फिल्मों के माध्यम से प्रेरणा भी मिलती है, फिल्मों के माध्यम से लोग सीखते भी हैं। हालांकि नकारात्मक फिल्मों से नकारात्मक चीज़ें सीखी जाती हैं और सकारात्मक फिल्मों से सकारात्मक चीज़ें लोगों के जहन में आती हैं। समाज का आईना है, और कई फिल्में तो ऐसी रही हैं जिन्होंने बड़े बड़े बदलाव कर दिए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अहम ये भी है कि बदलाव के साथ साथ कई अब फिल्म ऐसे माध्यम बन चुकी हैं कि उनके माध्यम से अब धर्मों के जो किरदार हैं, धर्मों के जो उपासक हैं या धर्मों को जो मानने वाले हैं, उनको यहाँ पर तकलीफ देती नज़र आ रही हैं। चाहे मुस्लिम धर्म की बात करें, चाहे हिंदू धर्म की बात करें, चाहे अन्य धर्मों की बात करें, सब धर्म समान हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते यहाँ पर सभी धर्मों को अपनी अपनी आज़ादी प्राप्त है, और यहाँ पर सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है। पर जब धर्मों के विरुद्ध आचरण की बात आती है, तो एक धर्म ऐसा है जिसको हमेशा से ही लक्ष्य बनाया जाता रहा है, वो धर्म है हिंदू धर्म। यानी हिंदू धर्म में आप किसी भी भगवान को लेके चाहे मूर्ति बनवा दीजिए, चाहे चित्र बनवा दीजिए, पिक्चरों में भी टारगेट किया जाता है, कभी माँ काली के साथ यहाँ पर अलग चित्रण दिखाया जाता है, वो भी अभी हाल में चर्चा में आई थी। और ये चर्चा इसलिए आम हो जाती है क्योंकि लोग इसका विरोध तो करते हैं, पर विरोध उस स्तर पर नहीं हो पाता है, और जब विरोध नहीं होता है तो केवल मामला कुछ समय उठता है, उसके बाद दब जाता है। क्यों? कारण ये कि हमने अपने धर्म में सभी को प्रेम दे रखा है। हमने अपने धर्म के साथ कोई अगर खराब व्यवहार भी करता है तो हम उसको क्षमा कर देते हैं, उस मामले को इतना गहनता से नहीं लेते हैं, उसको मानव भूल मानकर क्षमा कर देते हैं। पर जब एक गलती बार बार होती है तो वो गलती नहीं बल्कि आदत बन जाती है, और निश्चित रूप से जो आदत बन जाए तो उस पर एक समीक्षा करना बहुत आवश्यक है, और यही आज हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य इसलिए क्योंकि आदि पुरुष एक फिल्म जो कि रिलीज होने वाली है, उसका ट्रेलर रिलीज हुआ, और ट्रेलर में जिस तरह से दशानन रावण की भूमिका दिखाई गई, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सैफ अली खान ने उस भूमिका को निभाया है, और 16 कलाओं के रावण माहिर रावण, जो महान विद्वान ब्राह्मणों में जिनकी गिनती थी और भगवान शिवशंकर के अनन्य भक्त थे, उस भूमिका को यहाँ पर एक अलग भूमिका में दिखा दिया गया। चमगादड़ जैसे पक्षी पर बैठे हुए, ना मुकुट और ना अन्य व्यवस्थाएं, ना तिलक और ना कुछ, बस जैसे एक कार्टून एनिमेटेड फिल्म का किरदार होता है, उस तरह दिखाया गया यहाँ पर वाल्मीकि के रामायण के दशानन को, रामचरितमानस के दशानन को। प्रमुख किरदार है, और किरदार इतनी प्रमुख है क्योंकि उसके बिना रामलीला रामायण रामचरितमानस की कल्पना ही सिर्फ कल्पना ही हो सकती है। रामलीलाएं होती हैं, इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है, और निश्चित रूप से दशानन को कौन नहीं जानता, रावण के किरदार को कौन नहीं जानता, और रावण को कौन नहीं जानता, और निश्चित रूप से यहाँ पर हमारी आस्था के बिंदु में कहीं ना कहीं रावण भी हैं। पर जिस तरह से यहाँ पर रावण किरदार, और वहीं पर दूसरी तरफ हनुमान जी जो कि जिनका भी रामायण में अहम रोल रहा है, अहम है, उनके बिना भी रामायण की कल्पना करना संभव नहीं है। भगवान श्री राम के अनंत भक्त
हनुमान जी को लेकर जिस तरह से यहाँ पर फिल्मांकन किया गया है, उनको चमड़े के वस्त्र पहनाए गए, एक अलग उनकी पटकथा दिखाई गई, एक अलग उनके दृश्य दिखाए गए जो कि अब बर्दाश्त योग्य नहीं है और जिस पर अब एक प्रकार से बवाल होना शुरू हो गया है, क्योंकि ये हमारे ईश्वर हैं और ईश्वर को के किरदार में अगर आप बदलाव करेंगे, ऐसे किरदार दिखाएंगे जो नहीं होना चाहिए, ऐसे दृश्य दिखाएंगे जो नहीं होना चाहिए, ऐसी वेशभूषा दिखाएंगे जो नहीं होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हिंदू धर्म के अनुयायियों का, हिंदू धर्म के लोगों का यहाँ बोलना लाजमी है। और जैसा कि बयान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आया कि हम दृश्यों के लिए हम फिल्म के निर्देशक ओम राउत से बात भी करेंगे और बदलवाने की चर्चा भी करेंगे, अगर नहीं बदलते तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि धर्म और मर्यादा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर भारतीय हिंदू महासभा के चकपाणी महाराज का कभी कहना है कि दृश्य हैं ये गलत है और निश्चित रूप से इनको हटाया जाना चाहिए। यहां तक कि अखाड़ा परिषद के रविंद्र पुरी का यह कहना है कि अगर हिंदू धर्म पर कोई फिल्म बनाई जाए तो उससे पहले उसको अखाड़ा परिषद को दिखाई जाए और इसके लिए हम सेंसर को पत्र लिखने वाले हैं। फ्रेंड्स पे चर्चा पे कुछ बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। अब हनुमान जी कई अंग वस्त्र जो हैं चमड़े के उसमें दिखाए गए हैं, जबकि हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे, उसमें उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं। उसके बाद में जिस तरह का किया गया है ये आस्था पर कुठाराघात है, ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। और मैं इसके जो निर्माता हैं ओम राउत जी, उनको पत्र लिख रहा हूँ कि इन तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं, अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। बॉलीवुड लगातार हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर प्रहार कर रहा है, कुठाराघात कर रहा है। आए दिन इस तरह की फिल्में बॉलीवुड द्वारा बनाई जाती हैं जिससे हिंदू धर्म की सनातन आस्थाओं की भावनाएं आहत हों। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना इस बात का ऐलान कर रही है, उत्तर प्रदेश में ये जो आदि पुरुष बॉलीवुड की मूवी आई है जिसमें हनुमान जी का कुछ चित्रण किया गया है, गलत तरीके से उनकी वेशभूषा उनके पहनावे को दर्शाया गया है, जिसमें रावण का कुछ चित्रण किया गया है, उनकी वेशभूषा उनके पहनावे को गलत तरीके से दर्शाया गया और रामायण के जो पात्र हैं उन पात्रों को जिस प्रकार से वाहियात और बेढंगी ड्रेस बनाई गई है और जिस प्रकार से उनका चेहरा बनाया गया है, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना विरोध करती है और ऐलानिया कहती है कि उत्तर प्रदेश के थिएटरों में आदि पुरुष चलने नहीं दी जाएगी किसी भी सूरत में। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से विरोध है और यहाँ तक ये नवनिर्माण सेना ने ये तक कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में थिएटरों में पिक्चर चलने नहीं दी जाएगी। पर सबसे बड़ी अहम बात यहाँ पर यह है कि क्यों इस तरह की अगर फिल्में बनाई जाती हैं, और अगर आप किसी धर्म पर फिल्म बना रहे हैं, उनके आस्था के केंद्रों पर आप फिल्म बना रहे हैं, तो वहाँ पर फिल्मों के साथ ये रवैया क्यों? क्यों हिंदू धर्म के ईश्वर भगवान के साथ, आस्था के प्रतीक किन बिंदुओं के साथ इस तरह की छेड़छाड़ क्यों की जाती है? क्या ये हम अन्य धर्मों के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर अगर ऐसा कर देंगे तो आप विरोध का वो स्तर देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना भी करना संभव नहीं है। और सच्चाई है, सत्य है, ऐसे तमाम मामले हमने कुछ समय पहले देखे हैं। पर हमारे हिंदू धर्म में जिस तरह से हम लोगों को माफ़ करते हैं, क्षमा करते हैं और प्रेम गंगा जमुनी तहजीब को देखते हुए और तमाम बड़ी सभ्यताओं को देखते हुए हमारा आचरण ऐसा है कि हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। पर बर्दाश्त की भी यहाँ पर एक सीमा होती है और सीमा से परे यहाँ पर जिस तरह से हमारे आस्था के किन बुन्नुओं के साथ जिस तरह से यहाँ पर एक
खिलवाड़ ही बोलेंगे, खिलवाड़ इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर जिनको आस्था हमारे हृदय बनी हुई है, जिनके प्रति हमारा एक गहन चिंतन है, जो मैं आस्था केन बिंदु उनके साथ जिस तरह से यहाँ पर जो खिलवाड़ हुई है वो उस पर निश्चित रूप से लगाम लगनी चाहिए। आने वाले समय में इस पर भी एक बड़ा प्रयास होना चाहिए, बड़ा संतुलन बनाना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हों और इस तरह के जो किरदारों के साथ या पात्र के साथ इस तरह का जो रूपरेखा बनाई गई है, जो व्यवस्था बनाई गई है, वो ना देखने को मिले। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नेता भाजपा के रूप में हमारे साथ संतोष सिंह जुड़ेंगे, नेता सपा के रूप में मिशन भाई जुड़ चुके हैं, दिलीप यशवर्धन भाई राजनीति विशेषज्ञ में जुड़े हुए हैं, विकास मिश्रा भाई सनातन महासभा जुड़े हुए हैं, अरविंद पांडे भाई बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जो पहला हमारा सवाल रहेगा वो अरविंद पांडे जी से रहेगा। अरविंद जी, बॉलीवुड में एक चलन सा हम देख लिए हैं, वेब सीरीज आ रही हैं और आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हुआ, इसके पहले भी तमाम फिल्में ऐसी आई जिन पर प्रश्न उठे, चाहे परमावती की बात करें, चाहे अभी फिल्म एक वेब सीरीज आई थी काली उसकी बात करें और आदि पुरुष की। क्या मानते हैं ये खिलवाड़ क्यों? क्या कोई डर नहीं है या कोई नियम बनाना पड़ेगा या हमारा विरोध प्रदर्शन जो होता है वो उतना नहीं होता जिसको लोग गंभीरता से लें? कैसा देखते हैं आप इसको? अगर मैं बात कहूं जी तो इतिहास पर जब भी कोई काम होता है जी, क्योंकि इतिहास सभी ने पढ़ा होता है जी, सभी जन जाना होता है, वो फिक्शन नहीं है, कोई कल्पना किसी डायरेक्टर राइटर की व्यक्तिगत नहीं होती जी, तो ऐसे में सभी को उस सब विषय के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में पता होता है। अब ऐसे में जरा भी हेर फेर अगर होता है जी, तो जो भी उसके फॉलोअर्स हैं, जो भी उसके प्रशंसक हैं, उनको उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है जी। ओम रावत की बात करें, आदि पुरुष की अगर बात करें खास तौर पे जी, तो ओम जी को मैं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता, लेकिन उनके कामों को मैंने देखा है। उनकी पहली फिल्म गोखले जी पर थी जी, जो मराठी फिल्म थी और जिस पर बड़ा उनको अप्रिसिएशन मिला। उसके बाद उनकी जो दूसरी फिल्म थी तानाजी, उस पर भी उनको बड़ा अप्रिसिएशन मिला और उसी के लिए अजय देवगन जी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है जी। तो ओम रावत जी के जो उनकी योजना थी, जो उनकी मंशा थी जी, उस पर संदेह करना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है अभी। लेकिन जब आदि पुरुष का ट्रेलर मैंने देखा, टीजर मैंने देखा, तो मुझे भी बड़ा मतलब अचंभा लगा कि इतनी बड़ी गलती एक सजग फिल्म मेकर कैसे कर सकता है। क्योंकि रामायण, रामायण के पात्र और रावण जो भी पात्र हैं रामायण में, वो सभी हमारे जीवन शैली से जुड़े, जीवन थे, जीवन पात्र हैं, हमारे जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। इनके बारे में कोई जानकारी ना होना ये भी सवाल बेमानी है, इनके बारे में मटेरियल ना होना ये भी सवाल बेमानी है। इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं बचपना जैसा कुछ मुझे लगता है जी। क्योंकि रावण के बारे में किसको नहीं पता कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसे थी, वो कितना प्रकांड विद्वान था जी। और जब मैंने सैफ अली साहब को देखा जी, तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ट्रोल हो रहा है, बोला जा रहा है चंगेज खान खिलजी, बोला जा रहा है उनको, उसको मुगल बादशाह में और रावण में फर्क नहीं पता जी, तो ये तो ब्लंडर है भाई जी। दूसरी बात, आदि पुरुष कहना ही मेरे बारे में मुझे लगता है, व्यक्तिगत रूप से मेरी अगर राय माने तो राम को आदि पुरुष ना कहे, राम जो है आदि पुरुषोत्तम कह सकते हैं। क्या बात, वो अलग ही चरित्र है सर। और उसको सिर्फ जो है योद्धा के रूप में दिखाना, राम जी की मर्यादाओं को, राम जी के अनुपात, राम जी की जो शिक्षाएं हैं, राम राज्य की जो परिकल्पना है, उसको संकुचित दृष्टि से देखते हैं अगर आप उसको सिर्फ एक योद्धा के रूप में दिखाते हैं। एक और बात मैं कहूंगा, एक नरेंद्र कोहली साहब की किताब है जी, मेरे राम मेरी राम कथा, जो भी साहित्य के लोग हैं मुझे लगता है उनको जानकारी होगी इसके बारे में। उन्होंने राम को जिस रूप में देखा है वो अद्भुत है जी। राम अयोध्या से चलकर लंका तक पहुंचने वाला मात्र एक राजकुमार नहीं था जी, बल्कि वो जो अपने को निर्जीव कहते थे, जो सबल नहीं थे, जिनके पास कोई आसरा नहीं था, उनका बल था, उनका सहारा था जी। उन्होंने उन भीलन, उन केवट, उन बानरों को ये एहसास दिलाया कि तुम्हें किसी बाहरी व्यक्ति के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे अंदर ही एक पुरुषार्थ जगाने की आवश्यकता है। और उस सेना को लेकर वो रावण जैसे बलशाली और प्रकांड विद्वान को के अहंकार को, उसके सब समझ चीजों को चकनाचूर करके विश्व विजयी कहलाते हैं। तो आदि पुरुष का जो फिल्मी रूप है गलत है, वो बिल्कुल गलत है। और एक फिल्म मेकर के रूप में मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि अपनी गलती को स्वीकारते हुए
ओम रावत साहब इसको जो भी जरूरी इसमें व्यवधान जो भी जरूरी इसमें संशोधन है उसको उनको करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आस्था से नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, ये हमारी पहचान, ये हमारी साहित्य, ये हमारी सभी से हमारे जीवन शैली से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है भाई, भारतीय समाज के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका में हमेशा रहे हैं और हमेशा जीवंत किरदार भगवान श्री राम का रहा है और ईश्वर के रूप में उनको जिस तरह उनसे लोग जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं, भली भांति परिचित है। पर यहाँ पर पांडे जी एक समस्या और भी है कि यानी कि ना हिंदू धर्म से ऊपर आराम से टारगेटेड टर्क या पिक्चर बना लेते हैं, ये मानते नहीं मानते हैं कि बॉलीवुड चरण से चल पड़ा है, कोई डर नहीं है, कोई नियम कायदे है नहीं है, सेंसर बोर्ड से कैसे इनको अनुमति मिल जाती है उसमें विवाद भी होता है, तो क्यों ऐसे खिलवाड़ करते हैं? देखिए, जब सेंसर बोर्ड है जी एक सरकारी एजेंसी के रूप में जी, कि वो निर्णय ले कि ये फिल्म समाज को दिखाने लायक है अथवा नहीं है जी, तो उसके मेंबरान की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए, जब भी ऐसी कोई फिल्म आए जो इतिहास के पात्रों पर आधारित हो, इतिहास की घटनाओं पर आधारित हो या किसी धर्म विशेष की विशेष रूप से आस्था पर आधारित हो, तो उसके मेंबरों में ऐसे मेंबरान में ऐसे व्यक्ति जरूर होने चाहिए जो उस विषय के विशेषज्ञ हों। ये जो है सरकार से मैं चाहता हूँ कि जब बार बार विवाद हो रहा है तो इस पर एक मजबूत एक कठोर कार्रवाई करते हुए ऐसी कोई व्यवस्था लागू करनी चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि ये बार बार सॉफ्ट टारगेट जैसे बिल्कुल देखिए हमारी ईश्वर के आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? देखिए मैं पूरी बॉलीवुड को तो नहीं मानता क्योंकि बॉलीवुड का मैं भी हिस्सा हूँ, तो बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग हैं ऐसा कह सकते हैं वो गाहे बगाहे या ये कह सकते हैं उन्होंने कोई ऐसी रणनीति के तहत लोकप्रियता के लिए जो भी कह सकते हैं। नहीं, आप सब अगर बंसाली साहब पद्मावत के बारे में बताते तो उनकी लोकप्रियता छोटी कैसे हो सकती है, वो बड़े फिल्म मेकर है। ओम रावत साहब भी मैं छोटा फिल्म मेकर नहीं मानता, क्योंकि 400-500 करोड़ की फिल्म बनाने वाला व्यक्ति छोटा मोटा फिल्म मेकर नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये जो कॉन्वेंट एजुकेशन वाले लोग हैं, ये जो अंग्रेजी साहित्य अंग्रेजी कल्चर वाले लोग हैं, जब ये हमारी धार्मिक आस्थाओं हमारे इतिहास हनुमान जी चमड़े के वस्त्र पहने नजर आते हैं, जब हमारी आस्थाओं पर कोई बात करनी होती है तो इनका जो पाश्चात्य या वेस्टर्न समझ है वो बहुत बड़ा पांडे जी एक्नॉलेजमेंट लिया जाता है, रिव्यू लिया जाता है, तो कोई भी आपने कहा रामायण जब बनी हुई थी जी जी। तो बाकायदा दिखाया गया था कि कदम रामायण से और वाल्मीकि रामायण तमाम से लिया गया है जी जी। जानकारी ली गई है, ये लोग जानकारी नहीं लेते क्या? नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब रामायण पर इतना काम हो चुका है जी। राम ऐसा चरित्र है जो हर जगह सर्वव्यापी है राम। आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखेंगे अब तो मतलब समुद्र के पार हो चुका है उसका चरित्र, और तुलसी बाबा की तुलसीदास कृत रामचरितमानस है हमारे पास। इसके अलावा 14-15 अन्य विषयों में अन्य भाषाओं में रामायण लिखी जा चुकी है, बहुत सारी टीकाएं लिखी जा चुकी है, बहुत सारे सीरियल बन चुके हैं, तो रिसर्च का अभाव तो मतलब ये तो कतई हास्यास्पद बात लगती है कि उनके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं रहा हो। मुझे लगता है ये या तो ये कहिए कि उनको ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही उचित है, मैं जो बनाऊंगा उसको लोग प्यार देंगे, मैं जो कहूंगा वो लकीर बन जाएगा, ये और ऐसे किरदार दिखाए गए हैं जिनकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं भाई, क्या देखते हैं भाई, क्यों बॉलीवुड के लोग इस तरह की जो किरदार बनाते हैं और हमारे आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम हमारे ईश्वर के साथ इस तरह की वो करते हैं भाई, क्यों करते हैं सर? गौरव जी, सबसे पहले तो अभी जो भाई साहब थे उनका नाम मैं जानना चाहूंगा जो अभी मेरे से पहले जो बोल रहे थे। पांडे हैं, लेखक निर्देशक हैं भाई बॉलीवुड के जी। अच्छा, अरविंद जी को नमस्कार करूंगा मैं, और बहुत सारी बातें उन्होंने स्वयं कही है। देखिए, एक फिल्म मेकर होता है जो फिल्म, और गौरव जी आज मैं बताऊँ आपको जी, आज मैं किसी पार्टी के नेता के हैसियत से नहीं और ना किसी पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से बैठा हूँ, आज मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ एक सनातन धर्म को मानने वाला और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वंशज हूँ, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सनातन धर्म से हमारी पहचान है, उसके नाते आज मैं आपके टीवी चैनल पे बैठा हूँ। सबसे पहले तो मैं कहूंगा भाई साहब ने बड़ा विस्तृत तरीके से भगवान राम के बारे में भी उन्होंने बताया और फिल्म मेकर के बारे में भी, जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, सही बात है, हम भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ, मैं भी उन फिल्म मेकरों को जो फिल्म बनाते हैं। देखिए, मेरा कहना बड़ा स्पष्ट है कि वह कौन लोग हैं जिनकी इतनी जरूरत हो गई कि सनातन धर्म का जिससे भारतीय सभ्यता और संस्कृति जिसकी पहचान है, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वजह से पूरी दुनिया भारत को जानती है, जिस सनातन धर्म ने पूरी दुनिया में झंडा गाड़ा हुआ है, जो सनातन धर्म आदिकाल से पता नहीं कितने हजारों वर्षों से सबसे पुराना धर्म माना गया है,
ऐसे धर्म के बारे में जिनको एक घर का बच्चा बच्चा जानता हो, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में हजारों वर्ष से हमको और हमारे पीढ़ियों को पढ़ाया जाता हो और सिखाया जाता हो, ज्ञान दिया जाता हो, उनके बारे में बताया जाता हो, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में अगर ना जानकारी हो, ऐसे हनुमान जी के बारे में ना जानकारी हो और इस तरह का कोई वक्तव्य देता है या इस तरह की कोई फिल्म बनाता है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं यह भी एक हमारे देशद्रोह के श्रेणी में आता है। ऐसे लोगों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो लोग हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ और हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ और हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको भी उतनी ही कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बिल्कुल सही बात भाई साहब ने, अरविंद जी ने कहा कि क्या उनको यह ज्ञान नहीं था कि हनुमान जी कौन है, क्या उनको ज्ञान नहीं था मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है, जिन्होंने जिनके चरित्र का वर्णन, जिनके जिनके द्वारा किए गए एक एक कार्य का वर्णन हम अपने घर में अपने परिवार में उपदेश देते हैं, जिनको हम बताते हैं, जिनके जिनके बनाई हुई जिनके जो चीजें हम लोगों ने पढ़ा है या सीखा है या देखा है, कहीं ना कहीं वो चित्रण व कहीं ना कहीं वो बातें जो हमारे पूर्वज कह करके हमको बता करके जो हमने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में पढ़ा है, वो चीजों का ज्ञान उनको नहीं था या फिल्म बनाने से पहले उन्होंने, और ये फिल्म बनाने वाले गौरव जी है कौन, जिसे थोड़ा सा पता जरूर लगेगा, लेकिन वह किरदार निभाता कौन है, कौन बार बार आपके सनातन परंपरा को बदनाम करता है, कौन शंकर जी को बदनाम करता है, कौन राम को बारे में बदनाम करता है, या चरित्र चाहे वो अजय देवगन भी निभा सकते थे, या चरित्र चाहे अक्षय खन्ना भी, अक्षय कुमार भी निभा सकते थे, बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर है, क्यों सैफ अली खान ही, क्यों आमिर खान ही, देखिये बार बार अच्छा ये कैरेक्टर भी निभाएंगे, हमारे और आपके धर्मों को बदनाम भी करेंगे और ऊपर से ये कहेंगे हिंदुस्तान में तो हम अनकंफर्टेबल है, हमको तो यहाँ असहिष्णुता है, सैफ अली खान तो बयान भी दे चुके हैं इससे पहले, बोले थे कि रावण को न्याय दिलाएंगे, बारे माफी भी मांगी सैफ अली खान ने, एक साल पुरानी बात है। देखिए देखिए ये प्रचलन चला हुआ है गौरव जी, आज बॉलीवुड की स्थिति क्या है अरविंद जी को बहुत अच्छे से मालूम होगा, आज बॉलीवुड की स्थिति इन्हीं सब कंट्रोवर्सी के वजह से ये लोग हिंदुस्तान के लिए नहीं, अपने पैसे के लिए, अपने व्यवसाय के लिए और समाज को दो टुकड़ों में बांटने के लिए, धर्म को दो टुकड़ों में बांटने के लिए, देखिए बताइए किसी हिंदू एक्टर को, बताइए किसी हिंदू एक्टर को जिसने कभी इस तरह की भूमिका बनाई हो, बताइए कब हमने मोहम्मद साहब के बारे में, पैगंबर साहब के बारे में या इसे हसन हुसैन तमाम तरह के जो सिया सुन्नी में जितने देवी देवता आते हैं, हमने कभी कोई फिल्म बनाया है क्या, कोई हमने ऐसा चरित्र चित्रण दिया है क्या, कभी हम लोग उनके धर्मों के बारे में डिबेट किया है क्या, अरे क्यों इस तरह की घटनाएं घट रही है, ये विचार करने जो क्या बात है गौरव जी। देखिए हम जब नेता की हैसियत से बोलते हैं, पार्टी के हैसियत से बोलते हैं, ये लोग कहते हैं कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बात कही जा रही है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा प्रत्येक हिंदू को, हर पार्टी में हर दल में हिंदू लोग बैठे हुए हैं, सब अपने अपने सब अपने अपने तरीके से भगवान की पूजा। ठीक है ठीक है ठीक है, यह लोग अगर इस तरह का यह लोग इस ये पहली घटना नहीं है, आप भी जानते हैं जी, बार बार इस लगातार देख रहा हूं, मैं भी लगातार देख रहा हूं, बार बार इस घटना को दोहराया जाता है बार बार, लेकिन ये एक चीज बताइए इसका विरोध करने वाले कौन है, विरोध जो करता है उसको राजनीति से जोड़ दिया जाता है, विरोध जो करता है उसको कहा जाता है ये तो किसी दल के नेता है, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए अगर आम नागरिक जो जागरूक नागरिक है वह सामने आकर के नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। ठीक है आप ये बताइए, इतना बड़ा एक अपने आपके खुद आप चैनल पे बैठे हैं गौरव जी, आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, जिस हनुमान के बारे में, जिस राम के बारे में जो इन्होंने प्रस्तुत किया है, क्या देख करके आपको आपको कैसा महसूस हो रहा है, तकलीफ होगी भाई, बिल्कुल तकलीफ होगी, जवान धर्म को तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होगी। आज हम लोग नवमी का त्योहार है, आज हम लोग दशहरा मना रहे हैं, लेकिन आप जरा जरा सोचिए कि हम लोगों को कितनी पीड़ा हुई होगी, जिस राम को घर घर में पूजा जा रहा हो, जिस राम के लिए हम जीते हैं, जिस राम के लिए हम मरते हैं, कि अपने ही देश में कुछ ऐसे आताताई लोग थे, कुछ ऐसे बेभर्मी लोग थे, कुछ ऐसे बेविचारी लोग थे, जिनके वजह से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम तम्बू के सब तम्बू में बैठ करके कितने साल अपना समय काटते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को सलाह प्रसव देने वाले कौन लोग हैं, जब ऐसे लोग फिल्म बनाते हैं तो किसके वजह से बनाते हैं, कौन सा सेंसर बोर्ड है जो पास करता है गौरव जी, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है इसका और इसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, इसके लिए तैयारी होगी कुछ, इसके लिए कुछ नियम कायदे आएंगे। मैं बड़ा स्पष्ट कहूंगा कि हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार भी गंभीरता से इस विषय को लिया है और जहां तक कोई कानूनी प्रक्रिया है अगर इस तरह की ये चीजें हटाई नहीं जाती है, बैन नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी प्रकार के कानूनी तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और हम अपने सरकार की तरफ से भी मांग करेंगे कि और पूरे देश के लोगों को बोलेंगे कि ऐसे फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसा प्रावधान हो कि ऐसी कानूनी सजा मिलेगी दोबारा इस तरह की हरकत कोई नहीं। हो गया, विजय भाई आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी मैं सुन रहा हूँ, एक बार मुझे कहिएगा कि वीडियो कॉल करें। जी बोले विजय भाई, जो ये फिल्म बनाई गई है, उसका ट्रेलर रिलीज किया गया है, कैसे देखते हैं भाई? देखिए पहली चीज तो ये किसने मूवी बनाई थी मुझे इसका ज्ञान नहीं, और दूसरी बात ओम राउत ने बनाई, ओम राउत जी। मैंने इस मूवी का ट्रेलर भी नहीं देखा है जी, मगर जो मैंने महानुभाव सुना है आपके द्वारा जो अभी कर रहे थे जी, तो उसके लिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ जी, बिल्कुल मैं यहाँ पर जितने थोड़ी आवाज बढ़ा जाए भाई की जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है जी? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, यहाँ पर जितने भी मीडिया केंद्र से आपके लोग आए हुए जो भी कुछ अपनी बातें कह रहे हैं, उनकी बात से कह रहे हैं जी, धर्म एक आस्था से जोर पकड़ना अच्छी बात है जी, वो कोई भी जी, और राहत की बात है कि भगवान राम अंदर आदर्श है, और मैं एक मुसलमान परिवार परिवार से आता हूँ जी, इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं उनका आदर्श बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई न चलिए जो इस तरह की प्रयास करते हैं कि किसी के भी धर्म में चोट पहुंचे। अगर गौरव है जी, पता नहीं यहाँ पर आपसे मैं बुला हूँ, आपसे मालूम नहीं कि यहाँ पर काफी तक अपने से पहले साथ से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है जी। मैं ये चाहता हूँ कि जो अभी एक महानुभाव के बात कहते सरकार इस पर ध्यान कर रही है, चिंतन कर रही है जी, तो ये भी बात सरकार ही क्यों करना चाहती है, ये ध्यान और चिंतन तभी क्यों करना चाहती है कि जब कोई पोस्टर कोई ट्रेलर रिलीज हो जाता है, जनता तक पहुंच जाता है, जनता की भावनाओं को देख जी मिशन भाई पास दीजिए, तो जाहिर सी बात है एक पैनल बैठता है जो पैनल इसको पास आउट करता है, इसमें जो भी लोग होते हैं, मैं कहता हूँ ये बाहर कैसे आ जाता है, अगर कोई भी चीज जो है वो मैंने अक्सर सुना है कि मूवी से पहले वो सेंसर बोर्ड में जाती है, तो उस बोर्ड के लोग कैसे घटिया लोग रहते थे, उसमें मुसलमान थे कि हिंदू थे, और कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस सेंसर को पास किया और पास करने की जरूरत जी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। और रही बात जो अभी एक भाई साहब ये बात कह रहे हैं कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ हम मूवी नहीं बनाते हैं, हम किसी मुसलमानों के देवी देवता के खिलाफ नहीं बनाते हैं, तो ये तो आपका आदर संस्कार है, मैं इसके लिए आपके लिए आभारी, मतलब इसमें मुसलमानों का दोष नहीं होता है, बल्कि खान कोई मुसलमानों के मसीहा और कोई उनके पैगंबर और कोई उनके उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो जितना पैसा सैफ अली खान के पास आता है वो कमाते हैं वो अपनी झोली से और अपने बैंक बैलेंस से कपूर खानदान में ले जा करके दे रहे हैं, उन्होंने शादी कपूर खानदान की है, वो अपने अपने ससुराल में और मायके में पहुंचा रहे होंगे, इसमें मुसलमानों को पैसा वो नहीं बांट रहे, और ना मुसलमानों के कोई वो नेता है या कोई अभिनेता है कि जो मुसलमानों के वो जिम्मेदार है, भाई अगर सैफ अली खान ने जो पिक्चर बनाई है और सेंसर बोर्ड ने पास किया, गौरव भाई मेरी बात सुनो यार, तो सबके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, बोर्ड से लेकर के सरकार से लेकर के अभिनेता नेता विनर माफिया सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इसमें मुसलमानों का कोई मतलब नहीं, सैफ अली खान और आमिर खान और सलमान खान ये अपनी जोड़ियां भरते हैं, ये किसी को बांटते नहीं आपसे। अच्छा। और रही बात अक्षय कुमार की आप बात कर रहे हैं, तो परेश रावल हो, अक्षय कुमार हो या अनुपम खेर हो, फिल्म बनाते हैं ये रुपया अपनी जेब में रखते हैं, करोड़ों रुपए डायरेक्टर ने कमाया है, किसी हिंदू को ला करके नहीं दे दिया, किसी गरीब बच्चे को उन्होंने शादी नहीं कर दी किसी बेटी, अच्छा किसी बच्चे का लालन पोषण नहीं किया। संतोष भाई का कहना था कि अच्छा कुमार को क्यों नहीं लिया, सफर खान क्यों लिया, इस बात पे जवाब दे रहे हैं भाई, देखिए ऐसा है कि अच्छा मजा कब आएगा जी, ट्रेजेडी होगी, सॉन्ग होंगे, रोमांस होगा, अच्छा और उसमें फाइटिंग सीन होंगे, तभी तो पूरी मूवी का मिर्च मसाला आएगा, तो ये मिर्च मसाला है अच्छा। सैफ अली खान को लेकर के अच्छा। देश के अंदर मिर्च मसाला खा के आएगा, अच्छा सब हिंदू हो जाते मजा आता, संतोष भाई भी घर के अंदर बैठे सोच रहे होते क्या किया जाए, अच्छा अभी आप देखिए मैंने एक जगह का वीडियो देखा है, अखिल लाल पूरा राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, और उनके सामने एक लड़की अखिल लाल परोस रही है, वहां कौन मुसलमान था जो परोस रही है, क्या वो मुसलमान थी जी, तो ये तो रोक आप वहां पर करना चाहिए गौरव भाई, चर्चा का विषय अच्छी बात है, मगर बीजेपी का मंशा और सरकार की मंशा यही है कि धर्म पर चर्चा होती रहे, इनको राम जी खिंचा तो यार यही बनवाएगा पिक्चर, पिक्चर यही बनवाएगा, जाहिर सी बात है सरकार का पैसा लगा होगा, अच्छा सरकार पैसा लगा है, सैफ अली खान की औकात है, सैफ अली खान की औकात है, सैफ अली खान की राम जी के चरित्र के बारे में
कोई बात कहे या किसी की भारत के अंदर 125 करोड़ में औकात है और क्यों कहे भाई जी। उसका फिर रसूल की 21,000 सर तक से जुदा और श्रीराम जी के खिलाफ अगर कोई कहे अरे मैं उसकी नजर काट दूंगा, बिल्कुल काट दूंगा जी। मैं हूँ मुसलमान होता मैं चैलेंज कर रहा हूँ और कोई फतवा देते मेरे खिलाफ तो उसकी काट दूंगा गर्दन। जाहिर सी बात है भैया राज भगवान है हमारे यहाँ 124,000 नदियों का जिक्र है कौन है नदी है क्या है हम नहीं मान रहे भगवान उनको मानते हैं नहीं मानते बिल्कुल सच है मगर क्या मैं उनको आदर्श मानता हूँ भाई वो एक कुछ ऐसी हैसियत रखी थी जिसको आज दुनिया पूछ रही है और वाकई रामराज ये रामराज राम जी खुश हो जाएंगे इससे ये कोई की हैसियत है अगर राम जी के बारे में कुछ लिख देगा तो राम जी बदनाम हो जाए मतलब हैसियत है किसी की जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और जो राम जी के बच्चा आज बचे हैं वो बीजेपी की वजह से बचे हैं और राम जी अगर कृपाल में राजनीति कर दिया तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं संतोष जी से आज एक बात कहना चाह रहा हूँ संतोष भाई आप मेरे राम जी को आप भगवान मानते हो भी मेरे आदर्श है बिल्कुल होना चाहिए अगर राम जी त्रिपाल में थे तो क्या आप क्या समझ रहे हैं कि ये सब पार्टियां और सब लोग उन्हें त्रिपाल में रख सकते तो फिर इसका मतलब हमने आपने कुछ राजनीति में बता नहीं और अगर राम जी ने अपना भव्य मंदिर बना लिया तो उनकी उनकी मर्जी नहीं की इतने भव्य मंदिर में रहने की और ना ही अगर इतना राजपाट का शौक होता तो 14 साल का बर्बाद न करते ये तो हो सकता हो कि कुछ ऐसे राम जी के मानने वाले हो कि उनके भक्तों को देखते हुए भक्तों की आस्था को रखते हुए राम जी ने कहा हो कि भाई अब मेरा मन जाना चाहिए अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक और साथ ले लिया बीजेपी से हेलो हो सकता हो हम सत्ता में होते हमसे काम लेते राम जी भाई मेरा बना दो अच्छा, मेरी हैसियत होती तो हम बना देते ये होना चाहिए ये के अंदर ठीक है जब साथ रह रहे हो तो सबके बारे में ख्याल रखो लोग कहते ना एक घर में रह रहे हैं ज्वाइंट फैमिली में है तो बीवी के ही चक्कर ना लगाओ पंडित माँ बाप का भी ख्याल करो भाई बहन का भी ख्याल ठीक है हो गया विकास भाई भाई आपने देखा यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर टेलर रिज हुआ उस पर घमासान भी शुरू हो गया है बैन की मांग भी होने लगी है सेंसर बोर्ड को कहा भी गया कि पहले हमको दिखाएगा हिंदू धर्म पर कोई मूवी बनती है किस रूप में देखते हैं जिस तरह से एक उतारघात हो रहा है जी देखिए ये कोई पहली बार नहीं है जी जहाँ तक मुझे याद आता है अगर हम 1980 के बाद की मूवीज देखें जब जावेद और सलीम जावेद की जोड़ी आई जी और उनके लेखन की शुरुआत हुई तो हिंदू धर्म पे कुठाराघात वहीं से शुरू हो गया अच्छा आप उस समय की मूवी देखें जी तो उसमें ब्राह्मण को हमेशा बहुत कहियाँ दिखाया जाता था जी जो व्यापारी होता था बेईमान होता था उसको वैश्य संज्ञा दी जाती थी जी ठाकुर जो होता था उसको इतना चरित्रविहीन दिखाया गया कि वो अपने बहू बेटियों को नहीं छोड़ता था अच्छा लेकिन उसी मूवी में एक चरित्र ऐसा भी होता था जो इस्लाम धर्म का होता था वो इतना पाक साफ होता था अच्छा इतना अपने उसूलवादी होता था अच्छा कि उसको बहुत अच्छा चरित्र का दिखाया जाता तो अंत में वो सबका सहयोग करता था सब उसको प्रताड़ना देते थे अंत में वो सही साबित हो जाता था अच्छा तो ये कुठाराघात तब से चला आ रहा कोई नई बात नहीं है अच्छा समस्या क्या है समस्या हिंदू धर्म सनातन धर्म इतना शालीन है कि शालीनता के चलते आज वो कहीं ना कहीं कायर नजर आने लगा अच्छा। जैसे अभी हमारे मिशम भाई ने खुद ही एक शब्द बोला कि अगर मेरे सामने कोई श्री राम जी को कहता मैं उसकी गर्दन काट देता ये शब्द सनातन ही कोई भी नहीं बोलता यही वजह है कि कुठाराघात बढ़ता चला गया जी। अब जैसा काली एक वेब सीरीज जिसमें सिगरेट पीते हुए दर्शाया गया उसमें उस सीन को काटने की मांग करके मूवी चल जाए ये बात कही गई अभी भी जो अभी सामने मूवी हम देख रहे हैं या एक हमारे एक और डायरेक्टर साहब हैं अनुराग कश्यप साहब उनके मूवीज देख लें उनमें सब में वो इस चीज से कभी नहीं चूकते सनातन धर्म पे आघात करने चूकते हैं मैं कहना चाहता हूँ पहले सनातन धर्म को पढ़ो अच्छा जानो विज्ञान जानो उसका वो आधुनिक विकसित विज्ञान से भी विकसित विज्ञान लिखा है उस पर चाहे वो सर्जरी के क्षेत्र में देख लें चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देख लें चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लें चाहे आयुर्वेद के क्षेत्र में देख लें हर एक क्षेत्र में आप पढ़ लें लेकिन मुझे मालूम है पल्ले ही नहीं पढ़ना है आपको क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा आपको कुठाराघात करने से फुर्सत नहीं है आप स्वयं सनातन संस्कृति से इतना डरे हुए हैं कि उसको नीचे नहीं कर सकते इसलिए इस तरीके से उसको नीचे दिखाना चाहते हैं ये पहली बात दूसरा
मैं कतई इस पक्ष में नहीं हूं कि इसमें से कोई सीन कट करके इस मूवी को चलाया जाए। इस मूवी को चलना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। सनातन महासभा मंग रहेगा क्या? बिल्कुल, सनातन महासभा इसका घोर विरोध करती है और इसके लिए बिल्कुल कार्यवाही करेगी। जी, जो इसको बनाने वाले हैं हमारे ओम राउत साहब, जैसा अभी हमारे अरविंद पांडे जी बता भी रहे थे, तानाजी हमने देखी, आपको बताया बड़ा आश्चर्य हुआ देख करके तानाजी को, कि तानाजी इतने दिनों बाद एक ऐसी मूवी आई थी जी। जिसमें शिव जी का इतना अच्छा चरित्र, मतलब इतनी अच्छी पूजा अर्चना दिखाई गई थी, तो मैं नहीं मान सकता कि ओम राउत साहब को सनातन संस्कृति के बारे में मालूम नहीं जी। निश्चित तौर बड़ा अच्छा जानते थे, अगर नहीं जानते तो आप तानाजी एक बार जिसने ना देखो फिर से देखे, बड़ा अच्छा उसमें दिखाया गया जिस तरीके की पूजा अर्चना शिव जी की दिखाई गई। युद्ध पे जाते समय वो शिव जी का दर्शन करके जाते थे और शिव जी को दर्शन करते थे आकर के, बड़ा ही सुंदर चरित्र था जो हमारे यहाँ होता था, जो आज भी होता है, हम भी आज भी घर से जाते हैं प्रभु के दर्शन करके जाते हैं और वापसी भी, तो इसलिए उनको ज्ञान था। परंतु जी, ये एक तरीके की स्ट्रेटजी हो गई कि कुछ ऐसा मसाला ट्रेजर में डाल दिया जाए जी, एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए, खासकर सनातन संस्कृति को जरूर डालिए, उससे बवाल शुरू होगा, फिर कुछ सीन काट करके मूवी रिलीज करने की बात आ जाएगी और हमारी मूवी हिट हो जाएगी। सीन कटेंगे ये देखने जाएंगे, सीन कटेंगे कैसे? पूरे किरदार में तो वही नजर आए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सीन कटने की बात ही नहीं है उसमें, मैं तो आप स्वयं ही कह रहा हूँ कि ये मूवी ही नहीं चलनी चाहिए जी, क्योंकि ऐसा चरित्र दशानन ब्राह्मण, आपको बताया प्रकांड ब्राह्मण था, प्रकांड ब्राह्मण ठीक है, हाँ, उसको जिस कार्य को उसने किया, जो घृणित कार्य किया, उसके लिए श्री राम जी ने उसको दंड दिया जी। परंतु श्री राम जी ने अंतिम समय पे भी लक्ष्मण जी से कहा था, इसके सर की तरफ नहीं, इनके पैर की तरफ खड़े हों और ज्ञान प्राप्त करें। आप सोचिए कितना प्रकांड व्यक्ति रहा होगा, उसको आप इस तरीके की मूवीज में दिखा रहे हैं, आपको ज्ञान भी है, आप क्या कर रहे हैं? इतना प्रकांड पंडित रावण संहिता उठा के देख लीजिए, ज्योतिष शास्त्र पूरा उस पर निर्भर करता है, और आप उसको ऐसे दिखा रहे हैं? आप सनातन संस्कृति के बारे में क्या जानते हैं? अभी मैं देख रहा था एक सीरियल आता था आमिर खान जी, अभी मिशम भाई ने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि खाली मुस्लिम, मैं आपको याद दिला दूं मिशम भाई, एक सत्यमेव जयते आमिर खान जी ही करते थे, और उसमें एक भी आप एपिसोड दिखा दिए उसमें इस्लाम धर्म के खिलाफ उन्होंने कुछ दिखाया, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के खिलाफ दिखाया। क्या जानते हैं सनातन धर्म के बारे में? कुछ नहीं जानते आप ना। आप कहते हैं, मैं आमिर खान जी को कहते सुना है कि वो जो रुद्राभिषेक किया जाता है ये सब चीज़ें की जाती हैं, बिल्कुल बेकार है। क्या जानते हैं आप उसके बारे में? आपको पता है शिवलिंग जो हमारे ज्योतिर्लिंग है वो एक सीध में बने हुए हैं, जो ज्योतिर्लिंग है वो वहाँ स्थापित है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेडिएशन होता है, बिल्कुल सही बात, और उस रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्व करता है शिवलिंग, और रुद्राभिषेक जब किया जाता है तो उन चीजों से किया जाता है जिससे वो रेडिएशन समाप्त होते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर चला जाता है, और सबसे ज्यादा घातक जहर इस समय रेडिएशन ही है। क्या बात, किस चीज का मखौल उड़ा रहे हैं? आइए पढ़िए, मैं पढ़ाता हूँ आपको सनातन धर्म के बारे में, उसके बाद मखौल उड़ाइएगा। और अगर आपको यही भाषा समझ में आती है तो आप बताएं कि भाई हम इस भाषा के बगैर समझ नहीं पाएंगे। तो मान्यवर, हम शालीन है, कायर नहीं है, इसलिए बड़ा विनम्र अनुरोध है पूरे बॉलीवुड से, और यही वजह है, मैं आपको बताऊं, अभी एक कुछ बीच में भी चल भी रहा था कि टॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच में, आपको संज्ञान में दिला दूं, साउथ की कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए, अपनी संस्कृति के बारे में बहुत उत्तम तरीके से दिखाते हैं, परंतु बॉलीवुड बहुत बदतमीजी से दिखाता है, यही वजह है आपका पतन हो रहा है, और आगे भी आपका पतन निश्चित है, चाहे सैफ अली खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर इस तरीके का आप हरकत करते चले जाएंगे निश्चित आप एक दिन धूमिल हो जाएंगे। ठीक है दिलीप भाई, किस रूप में देखते हैं भाई इस तरह से, जिस तरह से एक छोटी लोकप्रियता बोलेंगे या ज्ञान की कमी बोलेंगे या इसको जानबूझ के इस तरह चित्रण किया गया इसको बोलेंगे, किस रूप में देखते हैं भाई आप इसको? कॉमर्शलाइजेशन है गौरव जी, कॉमर्शलाइजेशन है, बाजारीकरण जी, जिस चीज का बाजारीकरण हो जाता है जी, उस चीज को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी, और इस देश में धर्म का भी बाजारीकरण जी, और ये बाजारीकरण करने वाले कौन लोग हैं जी? एक तो ओम राउत जी, के बारे में भी कहा गया कि तानाजी जैसी अच्छी यूनियन बनाई जी, और उससे भी बड़ी बात उसके प्रोड्यूसर को जी, जनक की थी जी, ये सीरीज किसकी थी? स्वर्गीय गुलशन कुमार कौन थे जी? इनको माता वैष्णो रानी के यहाँ से उनको सफलता मिली, जहाँ पर आज भी उनका भंडारा फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए चलता है, जिन्होंने धर्म की एक दूसरी अलग जी लोगों में जमवाई, धर्म के जितने गीत, धार्मिक जितने गीत जी सीरीज ने बनाए उतने शायद किसी कंपनी, किसी म्यूजिक कंपनी ने नहीं बनाए जितना गुलशन कुमार जी ने बनाया, धर्म को कितना आगे बढ़ाया, और उसी धर्म के चलते उनकी मृत्यु भी, उनको मर्डर भी कर दिया गया। तो जब वही कंपनी पैसा कमाने के लिए धर्म का माहौल उड़ाती है, और इस माहौल को रोकने की जिम्मेदारी हमारी आपकी नहीं है,
किसी हिंदू संगठन किसी मुस्लिम संगठन की नहीं है, ये कानून की जिम्मेदारी है। और कानून है, सिनेमेटोग्राफी एक्ट है इस देश में, जिसके तहत सेंसर बोर्ड किसी भी फिल्म को पब्लिक व्यू के लिए अलाउ करता है, उसकी अपनी गाइडलाइंस है। तो जो धर्म पर आधारित पिक्चर है, ये रामचरित मानस जिसकी जिसके ऊपर ये फिल्म आधारित है, रामचरित मानस कोई कहानी नहीं है, ये धर्म शास्त्र है, ये जीवन शास्त्र है। और इसको किरदार को आप ऐसे मत देखिए कि राम जी थे, एक लक्ष्मण थे, चार भाई थे, एक राजा थे, उनको वनवास हो गया, फिर उनकी वाइफ को रावण चुरा ले गया, वो लंका गए, रावण को मार करके आने, कहानी इतनी नहीं है जी। इस कहानी के पीछे जो साइंस छुपा है जी, जो जीवन का शास्त्र छुपा है, जो जीवन जीने की कला छुपी है, उसको समझिए। भाई का त्याग छुपा है उसको देखिए, जो बेटे का पिता के प्रति धर्म छुपा है उसको देखिए, जो धर्म अधर्म के ऊपर धर्म की विजय है उसको देखिए, जो शोषितों को वंचितों को ऊपर ला करके उनको मुख्य धारा से जोड़ करके उनके सर पर विजय का ताज दिलवाया गया है, उस भावना को समझिए। तो जब इतनी सारी भावनाएं हैं जी, और जिसका एक बहुत सुंदर चरित्र चित्रण रामानंद सागर जी ने किया जी, बिल्कुल बहुत शानदार। समय था जब रामायण आती थी जी, रामायण आती थी तो कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता जी, ऐसा लगता था कि पूरे देश में कर्फ्यू लग गया है। तो उस चरित्र का चित्रण जिस तरीके से रामानंद सागर जी ने क्या किया था, भाई, जो हमें जीवन के दूसरे प्ररूप को दिखाता था, उस प्ररूप को अगर आज ऐसे दिखाया जा रहा है तो इसको सीधा सा मतलब यही है कि ये बाजारीकरण है। क्या इस सीरीज वालों को नहीं पता कि सैफ अली खान मुसलमान है और उनको हम हिंदू, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं जी। मैं इस बात को हिंदू मुसलमान से जोड़ता ही नहीं, क्योंकि सैफ अली खान ने पैसा देकर के किरदार नहीं लिया है। 500 करोड़ की ये मूवी बन रही है तो जाहिर सी बात है कि इसमें सैफ अली खान को पैसा दिया गया होगा जी, जी। पैसा किसने दिया? जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर कौन है? टी सीरीज किसी मुसलमान की नहीं है, वो हिंदू की है जी। तो जो मामला यहाँ पर है वो सिर्फ बाजारीकरण, कॉमर्शलाइजेशन और पैसे कमाने की होड़ से। इस पैसे कमाने की होड़ को रोकने का काम सेंसर बोर्ड का है, और सेंसर बोर्ड में बैठने वाले लोग अगर इस तरह की कहानियों को, इस तरह के चरित्र चित्रण को पब्लिक में जाने को अलाउ करते हैं, जो धर्म का माहौल उड़ाता है, जो धर्म की परिभाषा बदल देता है, जो हमारे आदर्श हैं, उन आदर्श की जो पब्लिक में व्यू है, उस व्यू को अगर चेंज कर देता है, तो इसको करने की परमिशन सेंसर बोर्ड को नहीं देनी चाहिए। इस बातों को आप धर्म से जोड़ करके बाद में देखिए, पहले आप इस बात को कॉमर्शलाइजेशन से जोड़ करके देखिए। आज हम धर्म के युग में नहीं रह रहे, धर्म की बात जरूर करते, हम लॉ के युग में रह रहे हैं। तो कानून की नजर से देखिए कि कानून की नजर से क्या ये पिक्चर रिलीज होने की परमिशन सेंसर बोर्ड को देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए? तो पहली गलती प्रोड्यूसर की, एक्टर की बाद में है, पहली गलती सेंसर बोर्ड की है। सेंसर बोर्ड को कानूनी अधिकार इसीलिए दिए गए हैं, अच्छा। और उनको कानून बना के इसीलिए दिया गया कि कोई भी वो चीज जो पब्लिक सेंटीमेंट के खिलाफ हो, ये लिखा हुआ है उस कानून में कि पब्लिक सेंटीमेंट के खिलाफ कोई भी चीज अगर होगी, पब्लिक ऑर्डर को डिसोबे करने वाली कोई भी चीज होगी, उसको रिलीज करने के लिए फिल्म सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। तो क्यों दिया गया? इस बात का सवाल सरकार पूछे ना जी। इस बात का सवाल सरकार सेंसर बोर्ड के अधिकारियों से पूछे कि रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को इस तरीके से कॉमर्शलाइज तरीके से बाजार में उतारने की परमिशन किस आधार पर दी जी। इस आधार को पूछने की जिम्मेदारी सरकार की जी, हमारी आपकी तो बात नहीं। पर यहाँ पर दिलीप भाई, एक समस्या ये भी है कि क्यों नियम कायदे नहीं बनते? क्योंकि ये जो चलन विकास भाई ने बताया, 1980 चला आ रहा, 90 में चला आया, और अभी तो ये बहुतायत देखा जा रहा है, तमाम तरह की फिल्में जिस पर आपत्ति जताई गई, 10 हटवाए गए, तो ये क्यों है? इस पर क्यों एक बड़ा नियम नहीं बनाया जाता? इस पर क्यों पहल नहीं होती है कि जो चलन चल रहा है इसको पूरी तरह रोका जाए? क्या स्वस्थ व्यवस्था के साथ पिक्चर नहीं आ सकती? मैं ये कहता हूँ जी, गौरव जी, सारे कानून बने हुए जी, सारे जैसे भी काली फिल्म को लेकर के जो लोगों की प्रतिक्रिया आई थी, जिसमें माता काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया जी, अगर आप उसको आज के काल के हिसाब से भी देखेंगे तो इनडिसेंट ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट हमारे देश में ऑलरेडी जी, जहां पर औरतों का गलत तरीके से चरित्र चित्रण नहीं किया जाता जी, बिल्कुल। आप किसी भी नजर से देख लीजिए, इस तरह के जितनी भी मूवीज हैं उनको मार्केट में रिलीज होने की परमिशन सेंसर बोर्ड के द्वारा नहीं दी जानी चाहिए थी। और फिर मैं कह रहा हूँ, जब हर फिल्म पर, हर धार्मिक फिल्म को लेकर के इतना बवाल होता है, तो क्या ये बवाल सरकार के कानों तक नहीं जाता है जी? क्या ये बवाल जो आज शीर्षस्थ लोग बैठे हैं उनके कानों तक नहीं सुनाई देता है जी? बिल्कुल। तो क्यों बवाल होने के लिए ये लूपहोल छोड़े गए हैं? मैं ये सवाल खड़ा करूं।
क्यों छोड़े गए हैं, क्यों ने इस बात को लेकर के सख्त गाइडलाइंस उस अथॉरिटी को दी जाती है जो अथॉरिटी इन फिल्मों को आगे बढ़ाने की परमिशन देते हैं। सर्टिफिकेशन लिखा होता है, जब आप कोई भी फिल्म देखते हैं तो सबसे पहली जो स्क्रीन आती है वो ये लिखा आता है कि सेंट्रल सीबीएफसी के द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है ये पिक्चर जो है पब्लिक में रिलीज होने के लायक है। जी, तो धर्म को लेकर के और एस्टेब्लिश्ड धर्म जी, रामचरितमानस ग्रंथ जो है जी, उस ग्रंथ के ऊपर अगर कोई पिक्चर बन रही है जी, तो वैसे ही बननी चाहिए जैसा चरित्र चित्रण किरदारों का जैसा है ग्रंथ में किया गया जी। अगर उसके अलावा किया जा रहा है तो इस फिल्म की परमिशन सेंट्रल बोर्ड को नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। मिशन भाई, विकास भाई कहना था चलन जो चल रहा है वो चलन गलत है और चलन शुरुआत चला आ रहा है, कैसे देखते भाई विकास भाई की बात को? बिल्कुल 100% बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बाजारीकरण हो रहा है, बिल्कुल धर्म से मतलब नहीं है और धर्म को काम करने का काम बीजेपी का। अच्छा, धर्म बीजेपी क्यों कह रहे थे भाई मिशन भाई, बीजेपी क्यों, बीजेपी थोड़ा बोला पिक्चर बनाइए, क्यों सेंट्रल बोर्ड किसकी सहमति से बनता है? अच्छा, सरकार उनकी है, सेंट्रल में सरकार उनकी है जी, और उसके बाद पास हो रहा है, पास कैसे किया जा रहा है और करने के बाद छूट है सरकार की, सब्सिडी भी मिल जाएगी उसी में, सारी मशीन है और अशरफ अली खान रोल मांगने नहीं किया होगा, उसको दिया गया होगा डायरेक्टर साहब को। आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी दो छह सात साल से यहाँ पे यूपी में है और सात ही आठ साल से केंद्र में है, इससे पहले कांग्रेस सरकार केंद्र में थी और सपा सरकार यूपी में थी, तब भी यही कुठाराघात चल रहा था, आपने क्या कर लिया? आपके समय क्या कंट्रोल नहीं था? आपके समय सेंसर बोर्ड पे कंट्रोल नहीं था आपका? आज ही की सरकार का है, अभी आपने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दिया था कि अगर आपकी सरकार होती और रामचंद्र जी आपसे आके कहते महल बनवा दो तो आप बनवा देते साहब। पहली बात तो ये है कि ये भक्तों की आस्था थी कि वहां मंदिर होना चाहिए, भक्तों ने प्रयास किया तो मंदिर बना, किसी सरकार के कारण नहीं बना। दूसरी बात, आपकी सरकार में कार सेवकों पे गोलियां चलाए गए थे और आप मंदिर बनवाने की बात करते हैं, ये मखौलबाजी नजर आती है, थोड़ा स्टेटमेंट पे ध्यान दें, किस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये मूवियां क्यों आ रही हैं, इसको रोक लो। रोकने का कार्यवाही चुकी नहीं की गई क्योंकि हम बड़े शालीनता से पेश आते रहे, लेकिन इसी तरीके को कुठाराघात होता रहा तो भाई जो जिस तरीके से समझना चाहेंगे फिर वैसा करना पड़ेगा, लेकिन क्या है समाज का माहौल खराब होता है। लेकिन आपके जैसे लोग अगर इस तरीके की बात करेंगे तो उचित नहीं लगता। मिशन भाई आपकी सोच का मैं खुद ही कहता हूँ बड़ी सुंदर सोच है, लेकिन आज जिस सोच पे आप बात कर रहे हो मिशन भाई को सूट नहीं करती। जैसे किसी थाने के क्षेत्र में कोई घटना हो जाती है तो थानेदार को सस्पेंड कर देते हैं। वैसे ही आजादी के लिए एक नियम होना चाहिए, किसी भी तरीके की अभिव्यक्ति हो उसकी आजादी का एक नियम होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है, आप देखिए खाली चलिए इस मूवी को हटा देते हैं और चीजों के बारे में बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री के लिए कोई भी व्यक्ति कोई भी कुछ बोल सकता है, क्यों अभिव्यक्ति की आजादी का कोई नियम नहीं है? स्वतंत्रता का एक नियम होता है, हम बोलते हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी को ध्यान में रख के बोलते हैं कि सामने वाले की आस्था, सामने वाले के एहसास, सामने वाले की भावनाओं पर ठेस ना पहुंचे, इतनी हमारी आजादी है अभिव्यक्ति की, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन कुछ लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैं भाजपा के संतोष सिंह जी से भी कहता हूं, ध्यान सुनिए संतोष सिंह जी, अपनी सरकार चूंकि आपकी सरकार है, सरकार में एक बार चर्चा इसके लिए भी कर लीजिएगा। बड़ा अच्छे सुंदर बात कह रहा हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी के लिए भी एक नियम बना दीजिए, वो तो आपके हाथ में है, वो बनवा दीजिए। अभिव्यक्ति की आजादी एक ऐसा शब्द होगा कि जो मूवीज बनेंगे ना उसमें भी आदमी सोचेगा कि हमने अपनी अभिव्यक्ति किस लिमिट में करनी है। नहीं, यही कर दीजिए निकास जी, एक बहुत अच्छी बात है ना, सेंसर बोर्ड इसीलिए रखा गया है ताकि वो ये तय करे कि क्या चीज किस सीमा में दिखानी है और क्या किस सीमा में नहीं दिखानी है। जैसे आपने बताया ना, अभी मेरी फिल्म जब गई थी तो उसमें बहुत सारे नियम कानून आए कि आप महिलाओं के खिलाफ इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल नहीं कर सकते, महिलाओं के इस तरह से वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी धर्म विशेष के बारे में बात नहीं कर सकते, किसी समुदाय विशेष के बारे में उनकी भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। जब इतने नियम करता क्या भाई, वही मैं सवाल कर रहा हूँ, बाजारीकरण हो रखा है। देखिए बाजारीकरण मैं इस बात में मानूंगा, अगर ऐसा कौन सा व्यापारी होगा जो अपने धंधे में ही आग लगाने की बात करेगा, 500 करोड़ रुपए लगाकर अगर ये फिल्म बैन हो जाएगी तो किसका फायदा होगा?
ये तो मूर्खतापूर्ण बाजारवाद है ना। बाजारवाद तो जैसे अभी आपने बताया ना धर्म के बारे में, हिंदू धर्म दिलीप भाई बोल रहा है बाजारीकरण नहीं है, नहीं बाजार ये मूर्खतापूर्ण बाजारीकरण है सर। अच्छा। ये तो वही बात है ना कि हम जिस डाली पे बैठे हैं उसे काटना चाहते हैं। हम फिल्म बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन अगर ये फिल्म बंद हो जाएगी, बैन हो जाएगी, सेंसर इस पर कार्रवाई कर दे या हाईकोर्ट में कुछ स्टे लग जाए तो रिलीज कहां से। कुछ कहना चाह रहे थे आप संतोष भाई। गौरव जी मुझे विकास जी बहुत अच्छी बात बोले, दो तीन बातें हैं जो कहना जरूरी है जी। कौन सी आजादी की बात ये लोग करते हैं जी? किस आजादी, कौन सी अभिव्यक्ति आजादी, कौन सी अभिव्यक्ति की लोग बात करते हैं जी? हिंदू मुसलमान के नाम पे बार बार वही शब्द। सनातन धर्म का व्यक्ति, सनातन धर्म को मानने वाला सनातनी कभी भी कोई हिंसक कार्य नहीं कर सकता है गौरव जी। और विकास जी ने बहुत अच्छी बात बोली, बिल्कुल कानून बनना चाहिए कि कितने हद तक आजादी मिलनी चाहिए। आप हमको एक बात बताइए, अभी मिशन भाई साहब बोल रहे थे कि ये हो गया, ऐसा हो गया, हम तो उनको ऐसा करते हैं वैसा, ये सुनियोजित प्रायोजित ये चीज लोग कार्य करते हैं और करने का मकसद इनका जानिए। अच्छा। ये साल में एक दो फिल्में बनाते हैं। अच्छा। और देश में जो रहने वाले कम्युनल लोग हैं, जो कम्युनल बातें करते हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको भी जो हमारे हम ना सनातन धर्म को मानने वाले ना अपने धर्म को मानने वाले, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भड़काने के लिए, जिनको बताने के लिए, हमारे धर्म के बारे में गंदा प्रचार करने के लिए साल में एक दो फिल्में इनकी आदत हो गई है बनाने की। और भाई सही बात इन्होंने कहा है, इसके पहले कांग्रेस की इनका सबसे बड़ा एजेंडा क्या है ना। अच्छा। ये लोग हर बात को बीजेपी और राजनीति से जोड़ देते हैं। अब बीजेपी राजनीति से जुड़े तो आप एक हमको बताइए, हाय तोबा किए थे आप लोग, आप लोगों ने फिल्म बना दिया। ये तो कहिए, बिल्कुल सही कहा विकास जी ने कि सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी हिंसा नहीं कर सकता है। और सनातन धर्म को मानने वाले लोग सहनशील होते हैं, वो सहते हैं, वो देखते हैं, वो कभी हिंसा नहीं करते हैं। लेकिन आप ये बताइए, इतनी बड़ी घटना को अंजाम इन्होंने दिया, इनके ही मिशन भाई के नेता है और मिशन भाई के ही तरह बात वो भी करते हैं कि पुलिस हटा लीजिए, हम 15 मिनट में देख लेते हैं। इनके नेता कहाँ हैं? और कोई आता तो कहता है सतसंत जुदा कर दीजिए। अरे भाई नूपुर जी की बात को ही ले लीजिए, उनका एक वक्तव्य आया, उन्होंने अपने पैगम्बर साहब के लिए हाय तौबा मचा दिया, पूरे देश में प्रदेश में आगजनी कर दिया, क्या क्या जला दिए, बसें जल गई, कितने लोगों को बाढ़ डाला इन लोगों ने। कौन सी आजादी चाहिए इनको हिंदुस्तान में, किस आजादी की बात करते हैं ये हिंदुस्तान में। मेरा सिंपल सादा ये कहना है, विकास जी की बात से मैं सहमत हूँ और मैं एक चीज निवेदन करूंगा, आप गौरव जी इस बात को इन लोगों को भी समझना चाहिए और समझाना चाहिए। लोगों को समझना ये चाहिए कि भाई सनातन धर्म जो पढ़ता है, सनातन धर्म जो जानता है, वही सनातन धर्म पे अगर बोले, वही सनातन धर्म के बारे में क्रिया प्रतिक्रिया दे तो अच्छा लगता है। जिनको सनातन धर्म के बारे में ABCD नहीं मालूम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अच्छा इन लोगों ने, मैंने कहा कि आमिर खान के बारे में कहा, इनको हमने कहा सलमान खान के बारे में बोला, इनको हमने आमिर खान के बारे में, इनको बुरा लग गया। अरे भाई हमारे जो आर्टिस्ट है, वो कोई भी आर्टिस्ट हो, मैं हिंदू आर्टिस्ट की बात, उसको आपने हिंदू मुसलमान से जोड़ लिया, आपने हिंदू मुसलमान, मैंने हिंदू मुसलमान की बात नहीं कही है, हमने ये कहा है वह लोग जो अपने चरित्र को निभाने से पहले ये नहीं जानते हैं कि भगवान राम कौन है, हनुमान कौन है, लक्ष्मण कौन है, रावण जी क्या थे, ये लोग जानते ही नहीं है। रावण के बारे में अनाप तनाप बातें जो बोल रहे हैं, वाकई में विद्वान थे, अपने चरित्र की वजह से उनको सजा मिली थी, वो सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, जब नहीं जानते तो मत बोलिए। और सैफ अली खान जो चरित्र निभाए हैं, उनको क्या मालूम है भगवान, उन्होंने कभी पढ़ा है भगवान, कभी जाना है? ठीक है धन्यवाद। ये देखिए गौरव जी तरीके से ये लोग प्लान करते हैं, साल में एक दो मूवी ऐसी बनाते हैं जिनके वजह से देश की वह आबादी जो हिंदुस्तान और सनातन धर्म पे शुरू से ही प्रहार करती आई है, जिनका कुछ राजनीतिक दलों से और कुछ नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, कई लोग इस तरह का बयान वक्तव्य देते हैं और इस तरह से मूवी का समर्थन करते हैं। एक बात और कहूंगा, जितने लोग भी बोर्ड से लेकर के डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक, जितने लोग इस फिल्म में शामिल, सबको दंडित होना है, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कोई काट छाट नहीं होनी चाहिए, फिल्म पूरी तरह से बैन होनी चाहिए। देखिए नेताजी, जो भी आप कह रहे थे, आपको पता है हिंदू मुस्लिम इसलिए नहीं कहा गया, हिंदू मुस्लिम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप उठा के देखें तो 1980 तक के बात कर रहा हूँ, तब से उठा के मूवीज देख लीजिए, उसमें खाली सनातन धर्म पे आक्षेप नहीं रहा। आप देखिए कोई स्त्री अगर गलत चरित्र के दिखाई गई तो उसको क्या दिखाया गया, ईसाई थी। एक सेकंड गौरव भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो स्त्री ईसाई होती थी, सरदारों को मूर्ख दिखाया गया, हर धर्म पे आक्षेप कर दिया गया, परंतु इस्लाम धर्म को हमेशा सही दिखाया गया, इसलिए हिंदू मुस्लिम की बात हो रही। कहीं ना कहीं बॉलीवुड एक दबाव में दिखता है
और वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सब समझ रहे हैं किस दबाव की मैं बात कर रहा हूँ, जिस दबाव के चक्कर में ऐसी मूवियां बन रही हैं, ठीक, उस दबाव को भी खत्म होना चाहिए। आप सभी मेहमानों से कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद, सबका अमूल्य समय में हमको मिला है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर देखा है कि फिल्म आरी पुरुष का जो अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है, उस पर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, और निश्चित रूप से यहाँ पर आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम को लेकर, यहाँ पर रावण को लेकर, यहाँ पर हनुमान जी को लेकर, यहाँ पर जिस तरह से खिलवाड़ की गई है दस्युओं में, उनकी वेशभूषाओं में, वो तनिक भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। क्योंकि किसी भी धर्म पर प्रहार करना, कुठाराघात करना, ये हमारी संस्कृति नहीं रही है। फिल्में समाज का आईना होती है और समाज को दिशा देती हैं, प्रेरणा देती हैं, और जब ऐसी फिल्में बनेगी तो निश्चित रूप से समाज का जो माहौल होगा वो कहीं ना कहीं खराब होने की संभावना रहती है। क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ सभी धर्मों को सम्मान प्राप्त है, और जहाँ पर सभी धर्मों को सम्मान प्राप्त है वहाँ इस तरह की फिल्में का फिल्मांकन कतई नहीं होना चाहिए। सेंसर बोर्ड भी देखे और सरकार भी देखे, और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही उम्मीद करूँगा, यही निवेदन करना चाहूँगा कि नियम ऐसे बनाए कि कभी भी भविष्य में इस तरह की मूवी बनाकर, इस तरह के ट्रेलर बनाकर, इस तरह की वेशभूषा बनाकर उन महत्वपूर्ण आस्था केंद्रों के साथ खिलवाड़ ना की जाए। क्योंकि धर्म महत्वपूर्ण है, और धर्म का आस्था के प्रति अगर कोई सम्मान नहीं होगा, खिलवाड़ होगी, तो वहाँ पर हमेशा से विरोध होता आया है, वो आगे भी होता रहेगा। यहाँ पर सरकार और सेंसर बोर्ड दोनों को ये महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, तभी हमारे देश का माहौल बेहतर बना रहेगा। नहीं तो आने वाले समय में अगर इस पर कोई विराम नहीं लगाया गया तो ये पटकथा जो कि लंबे समय चलती आ रही है, चलती रहेगी, और नुकसान होगा केवल केवल समाज को और मानव जाति को। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे जरूरी नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।